हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर जो थर्ड है आपका रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स उसको स्टार्ट कर दिया था, उसके मैंने आपको दो पार्ट के लेक्चर जो है उपलब्ध करवा दिए हैं। पहले पार्ट में मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर क्या होती है ना, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको जो अभिक्रिया के वेग के प्रकार हैं, जो औसत वेग है, तात्क्षणिक वेग है ना, उसके प्रकार के बारे में डिस्कशन किया था। और वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी अभिक्रिया का जो औसत वेग है तात्क्षणिक वेग है, आप किस प्रकार से लिखेंगे। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो एक बार उन दोनों को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज क्या है कि आज हम उन्हीं वीडियो से संबंधित जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिए हैं, उन्हीं टॉपिक से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं, आपके किताब में या सीरीज में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको मैं आज आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है आपने तो एक बार जरूर उनको देख लीजिएगा, क्योंकि वो देख लेंगे तो आज के सवाल आपको समझ में आएंगे। अगर उन वीडियो को नहीं देखेंगे आप तो आज के सवाल आएंगे लेकिन थोड़ा सा कम समझ में आएंगे, हो सकता है ना। तो चलिए फिर आज हम चालू करते हैं कि जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है उन पर सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका वो एनसीईआरटी बुक का है, दिया गया है ना। तो देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में देखिए कहता है कि एक अभिक्रिया है जिसमें आर से पी बना हुआ है, यानी आर क्या है रिएक्टेंट, पी क्या है प्रोडक्ट, है ना। आर से पी बना है, आर फॉर रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक, पी फॉर प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद, है ना, ये लिखा हुआ है। के लिए अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता जो आर है इस रिएक्शन में, उसकी सांद्रता 0.03 m 30 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 है ना m हो जाती है, तो अभिक्रिया के औसत वेग की गणना सेकेंड और मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए। कह रहा है कि जो अभिक्रिया के वेग की गणना है आपको वो मिनट में और सेकंड में दोनों इकाइयों में करना है। तो सवाल में देखिए आपको जो समय दिया गया वो मिनट में दिया गया है, यानी जब सिंपली आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा, और उस मिनट वाले आंसर को सेकेंड में चेंज करना होगा, सेकेंड में उसको कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले क्या है, इस क्वेश्चन में हमें जो जो दिया गया है वो मैं आपको लिख करके बता देता हूं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ कि जो प्रारंभिक सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है। देखिए कह रहा था कि प्रारंभिक सांद्रता आपकी 0.03 m, जो पहले सांद्रता दी गई है वो प्रारंभिक सांद्रता है, और प्रारंभिक सांद्रता को किसे लिखते हैं R1 से, है ना। और यहां पर अभिकारक की बात की जा रही है, कह रहा है ना कि जो अभिकारक की सांद्रता, देखिए नाम ले लिया उसने सवाल में अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद का नाम लिया ही नहीं, तो हमें P2 P1 कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसने कहा अभिकारक की सांद्रता, है ना। तो अभिकारक की सांद्रता कितनी है प्रारंभिक, 0.03, ये प्रारंभिक सांद्रता है। और कह रहा कि 25 मिनट बाद, तो 25 मिनट जब बीत गए उसके बाद जो सांद्रता है वो सवाल में देखिए कितना है, तो वो सवाल में है आपकी 0.02 m, है कि नहीं, यानी बाद की सांद्रता क्या है 0.02 m। मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक के केस में, अभिकारक के केस में जो प्रारंभिक सांद्रता होगी वो क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी, अंतिम सांद्रता क्या होगी, हमेशा कम होगी, है ना। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो वहां बहुत अच्छे से समझाया था, है ना, क्योंकि अभिकारक समय के साथ क्या होता जाता है, खत्म होता जाता है, है ना, इसलिए अभिकारक की जो सांद्रता है बाद की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए यहां भी क्वांटिटी आपको बाद में कितना है 0.02 m दिया गया है, ठीक। चलिए मैं आपको लिख करके बता देता हूं, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। तो आप हिंदी में फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैं आपको इंग्लिश में ही बताऊंगा। प्रारंभिक सांद्रता R1 बराबर, आपके सवाल में दिया गया है प्रारंभिक सांद्रता R1 बराबर, चलिए तो यहां पर लिख लेते हैं R1, है ना। आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रारंभिक सांद्रता R1 बराबर, है ना, प्रारंभिक सांद्रता हिंदी में लिखिए और ब्रैकेट में R1 कर लीजिए। तो चाहे हिंदी में लगाइए फॉर्मूला या इंग्लिश में लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो R1 बराबर देखिए कितना दिया गया है आपको, तो सवाल में आपके 0.03 दिया गया, 0.03 m, है ना, ये कैपिटल M दिया गया है। अब ये कैपिटल M है क्या, तो एक प्रकार से मोलरता है,
सांद्रता की जो इकाई होती है वो मूलरता होती है, और इसका जो मात्रक होता है वो मोल में लिखा जाता है, तो मूलरता से ही मोल ले लिया जाता है वहां पर, है ना। चलिए तो ये हो गया 0.03 m, ये प्रारंभिक सांद्रता है। आगे देखिए क्या कहता, कहता 25 मिनट बाद आपको समय भी दिया है, 25 मिनट, ये कौन सा समय है 25 मिनट, तो 25 मिनट जो आपको दिया गया ये बाद का समय है। प्रारंभिक समय हमेशा कितना रहेगा, प्रारंभिक समय हमेशा जीरो रहता है, मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि प्रारंभिक समय हमेशा कितना होगा, जीरो होता है ना। तो चलिए तो ये हो गया R1, और 25 मिनट के बाद सांद्रता कितनी हो गई 0.02 m आपके सवाल में लिखा है। चलिए तो अब यहां पर हिंदी में आप लिख सकते हैं अंतिम सांद्रता या बाद की सांद्रता, है ना। चलिए अंतिम सांद्रता या बाद की सांद्रता क्या है, R2, ये क्या है अंतिम सांद्रता या बाद की सांद्रता कितनी है, तो 0.02 m। चलिए इसको लिख लेते 0.02 m। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी, जो पहले सांद्रता दी गई वो प्रारंभिक सांद्रता, जो 25 मिनट के बाद या कुछ भी समय के बाद जो सांद्रता होगी वो हमेशा बाद की सांद्रता, तो प्रारंभिक सांद्रता R1 बराबर 0.03 m, अंतिम सांद्रता या बाद की सांद्रता R2 बराबर कितना है 0.02 m, ये दिया गया, इतना समझ में आया होगा। समय आपको बाद का कितना दिया है, समय आपको बाद का दिया है 25 मिनट बाद कह रहा, तो प्रारंभिक समय हमेशा कितना, प्रारंभिक समय किसी सवाल में दिया जाए या ना दिया जाए आंख बंद करके याद रखिए, जो T1 होगा हमेशा कितना होगा, जीरो, क्योंकि हाँ जो प्रारंभिक समय है जब जीरो होगा उस समय कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो यहां पर लिख सकते हैं आप, अगर लिखना चाहे तो T1 बराबर कितना है, T1 बराबर है जीरो, T1 क्या है प्रारंभिक समय है, है ना। चलिए उसके बाद T2 क्या है, बाद का समय, बाद का समय कितना 25 मिनट बाद सवाल में आपके कह रहा, तो 25 मिनट बाद तो T2 कितना हो जाएगा 25। चलिए ये आपको दिया गया है 25 मिनट, समय आपको मिनट में दिया गया, ये ध्यान रखिएगा ठीक। तो ये हो गया 25 मिनट हो गया। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि इसमें सवाल में देखिए कह रहा कि औसत वेग की गणना करनी है आपको, और मिनट और सेकंड दोनों इकाइयों में करना है। औसत वेग, औसत वेग क्या होता है, RAV, एवरेज रेट, मैंने आपको लिखना बताया था, है ना। चलिए देख लेते हैं, तो RAV यहां पर पूरी बात लिख देता हूं, औसत, औसत वेग, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, RAV। देखिए ये है औसत वेग, पहचान क्या है कि R की जगह पर जब AV लिखा होगा तो वो है औसत वेग, जब केवल R लिखा होगा तो वो केवल वेग है, जब वहां पर INS इंस्टेंटेनियस लिखा होगा तो वो है तात्क्षणिक वेग, वहां D यूज होता है ठीक। चलिए तो औसत वेग RAV बराबर कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, है कि नहीं। डेल्टा C क्या है, तो सबके लिए, किसी के लिए भी हो सकता है कि नहीं। चलिए तो यहां पर प्लस माइनस मैं करके आपको बता देता हूं कि प्लस माइनस डेल्टा R अपॉन क्या होगा, डेल्टा T। ये तो आपको समझ में आया होगा कि प्लस माइनस डेल्टा R कहां से आया, अब या R यहां पर अभिकारक की बात कर ली गई है इसलिए यहां पर R लिख लिया है, अब अभिकारक की बात की गई तो R लिख लिया, उत्पाद की बात करता तो उत्पाद T कर लेते डेल्टा प्लस माइनस, है कि नहीं, तो ये कर लिया। चलिए अब इसी फार्मूले को मैं आपको दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यह भी मैंने आपको बताया था, है कि नहीं, क्योंकि अभिकारक की बात की जा रही है, ये जनरल फार्मूला है, है ना, कंफ्यूज ना होइएगा, ये एक जनरल फार्मूला है, इसके हिसाब से क्या होगा, अभिकारक आपके सवाल में कहा गया है ना, तो अभिकारक क्या होता, समय के साथ घटता है, तो उसके सामने क्या होगा, एक माइनस का चिन्ह पहले से लगाना ही पड़ता है, यह भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, है ना। चलिए तो इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा और चेंज करके आपको पूरी तरीके समझा देता हूं, जैसे यहां लगाया माइनस और यहां लगाया डेल्टा और यहां लिखा R और नीचे लिख लिया डेल्टा T, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, यहां पर उत्पाद नहीं है, है कि नहीं, तो मैंने यहां पर केवल R लिख लिया और माइनस का चिन्ह लगा लिया, अगर आप यहां भी चाहें तो केवल प्लस हटा दीजिए क्योंकि उत्पाद तो है नहीं यहां पर, लेकिन सांद्रता मैंने अभिक्रिया के लिए है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, है ना, तो इसलिए मैंने प्लस माइनस यहां पर लगा दिया है, तो आप भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अगर पता है कि ये अभिकारक है तो प्लस हटा भी सकते हैं, केवल माइनस लिख लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, वैसे मैंने आपको यहां भी करके देखिए बता ही दिया है। अब डेल्टा R जो आपका लिखा हुआ है, डेल्टा R क्या दिखाता, परिवर्तन को, है ना, कैसे बनेगा देखिए, यहां पर हो जाएगा देखिए माइनस होगा
और यहां पर लगाया ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगाया। डेल्टा किसको दिखाता है? डेल्टा दिखाता है परिवर्तन को। परिवर्तन कितना होगा? तो हमेशा डेल्टा आर की जगह पर क्या होगा? आर टू माइनस आर वन होगा, यानी हमेशा क्या होगा? बाद की सांद्रता माइनस पहले की सांद्रता, है कि नहीं? चलिए तो यहां पर लिख लिया आर टू माइनस आर वन। ये तो समझ में आया होगा भाई, देखिए डेल्टा आर लिखा है जैसे ये, इस डेल्टा आर का मतलब क्या है? डेल्टा आर का मतलब है सांद्रता में परिवर्तन। अब सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा? तो पहले की सांद्रता कितनी है, बाद की सांद्रता कितनी है, वही तो सांद्रता में परिवर्तन होगा, है कि नहीं? तो डेल्टा आर की जगह क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं आर टू माइनस आर वन अभिकारक के केस में? और यहां पर क्या होता है कि अभिकारक है, अभिकारक समय के साथ खत्म होता है, तो इसको ब्रैकेट में बंद करके हम क्या कर देते हैं, बाहर माइनस का लगा देते हैं चिन्ह, क्योंकि आपको पता है कि अभिकारक के लिए जो मान आएगा, अभिक्रिया का वेग आएगा, औसत वेग की गणना करना है या जो भी वेग हो, वो हमेशा किस में आएगा? निगेटिव में आएगा, माइनस में, और वेग कभी माइनस में लिखा नहीं जाता है, इसलिए मुझे ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी एक माइनस पहले से लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसलिए मैंने डेल्टा आर की जगह आर टू माइनस आर वन लिख लिया। इसी प्रकार से देखिए डेल्टा जो आपका टी है, तो डेल्टा टी की जगह पर क्या हो जाएगा? डेल्टा टी की जगह पर देखिए टी टू माइनस टी वन, यानी बाद का समय माइनस प्रारंभिक समय, बाद का समय हमेशा बड़ा होगा, है कि नहीं? तो यहां पर देखिए टी टू माइनस टी वन लिखा हुआ है ना, वही चीज मैंने आपको यहां पर लिख करके बताई है, देखिए। तो चलिए अब यहां पर नीचे क्या, डेल्टा टी, डेल्टा की टी की जगह क्या लिख सकते हैं? टी टू माइनस टी वन, इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो यहां से देखिए मैंने क्या कर लिया, ये माइनस आर टू माइनस आर वन हो गया और टी टू माइनस टी वन। अब सारी वैल्यू देखिए आपको ऊपर पता है, सारी वैल्यू यहां पर रखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर लीजिए, है ना। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो चलिए अब यहां से देखते जाइएगा और वैल्यू यहां पर पुट करते जाइएगा। क्या लिखा है कि माइनस, है ना, यहां पर लिख देते हैं आर ए बी। आर टू की वैल्यू देखिए कितनी है, आर टू की वैल्यू 0.02, बीच में माइनस है तो माइनस लगाया। आर वन की वैल्यू कितनी, 0.03, ये तो समझ में आया होगा, है कि नहीं? यहां पर लगाते बराबर का सिंबल आर ए बी, थोड़ा सा यहां ये होगा। उसके बाद देखिए क्या है, डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या, टी टू माइनस टी वन, तो टी टू कितना है, टी टू देखिए कितना 25 मिनट है, टी वन कितना है 0 मिनट है। हो सकता है कहीं कहीं पर डायरेक्ट 25 लिखा होता है, वो भी सही है। डेल्टा टी का मतलब क्या है, समय में परिवर्तन, तो प्रारंभिक समय हमेशा 0 होगा, तो 25 से 0 घटाएंगे तो हमेशा 25 ही तो रहेगा, तो सीधे भी आप डेल्टा टी ही लिखा रहने दे सकते थे यहां पर, तो 25 हो गया, 25 माइनस 0 हो गया, समझ में आ रहा है ना। टी टू कितना है, 25 है, और टी वन कितना है 0, तो 25 माइनस 0 हो गया। अब उसके बाद आगे चलिए, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 0.02 से ये घटा देंगे तो आपको पता है 0.01 आएगा, है ना। चलिए तो यहां देखिए लिख लिया 0.01, और जो कि किसमें आएगा, माइनस में आएगा आपका, है ना, ये किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो ये कितना हो गया, देखिए 0.01 घटा करके देख लीजिए, है ना, 2 से 3 जब माइनस कर देंगे तो 1 आएगा, बाकी पॉइंट में अंतर तो सेम है, देखिए 0.02 0.03, बिल्कुल हलवा सा माइनस करने वाला है। अगर आपको ये भी माइनस करना नहीं आता तो फिर प्रैक्टिस करिए माइनस करने की, है ना। तो ये हो जाएगा, उसके बाद क्या, 25 से 0 हटाएंगे तो नीचे 25 ही रहेगा आपका, ये हो गया। उसके बाद चलिए आर ए बी, ये लिख लिया। अब देखिए माइनस का गुणा माइनस से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0.01, और नीचे क्या हो जाएगा 25, ये होगा। यहां पर देखिए पॉइंट हटा देंगे तो 2 जीरो क्या होंगे, नीचे बढ़ जाएंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आर ए वी, देखिए क्या है, ये 0 जीरो बढ़ाया, ऊपर क्या हो जाएगा 1, और नीचे हो जाएगा 25 × 10^2, ये होगा कि नहीं होगा। देखिए 2 जीरो लगे हैं ना, तो 2 जीरो को क्या लिख सकते हैं, देखिए 25 × 10^2, 0 लगे हों तो इसको मैं लिख सकता है, 10^2 का मतलब क्या है, 100, है ना, इसका मतलब क्या है, 100। देखिए 25 × 10^2 का मतलब 100, गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 2500, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है कि नहीं, तो वही मैंने आपको लिख दिया है। चलिए उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब यहां से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 1 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 0.01,
और ये क्या होगा, 10 की पावर ऊपर चला जाएगा तो ये 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। ये हो गया, निकाल लिया एवरेज रेट। तो इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक बिल्कुल वही सेम रहेगा। मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक हो जाएगा मोल, मोल उसके बाद लीटर इनवर्स, और उसके बाद समय आपका मिनट में था तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। तो नीचे क्या लिखेंगे, मिनट इनवर्स, यानी मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर किसमें होगा, मिनट में होगा। तो मिनट वाला आंसर आपका इसमें आ गया, मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ठीक, ये आंसर आपको इसमें मिल गया। अब आपसे दूसरा भी कह रहा था कि इसको सेकंड में भी कैलकुलेट करना है, सेकंड में ज्ञात करना है, अब क्या करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए ये किसमें आया है, मिनट में। अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, यानी 60 से इसको डिवाइड कर दीजिए इस आंसर को, तो मिल जाएगी वैल्यू आपको सेकंड में। मिनट में आपका ये आंसर हो गया 0.04 × 10⁻²। मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर मिनट में हो जाएगा। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये जो आंसर आपका आया है इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो आगे लिख देंगे यहां पर कि आर ए वी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 0.04 ये होगा, नीचे कितना लिखेंगे 60, और इसके साथ क्या था 10⁻²। सेकंड में चेंज करना है ना। अब देखे नीचे क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, दो है, एक दो दो संख्या है, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे दो जीरो बढ़ जाएंगे, होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए छह के बाद कितने, तीन जीरो है, तो तीन जीरो को 10³ लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा × 10⁻², हो जाएगा ये, और नीचे देखिए क्या बनेगा, 6 × 10⁻³। ये होगा, अब 10³ ऊपर चला जाएगा तो 10³ - 3 हो जाएगा। 4 को 6 से डिवाइड कर लीजिए, 4 को 6 से डिवाइड कर लेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। तो ये 4 को 6 से डिवाइड करने पर हमारा ये कर लेंगे 0.66, यानी ये कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.66, यानी 0.66 आता चला जाएगा। ठीक, तो चलिए कर लेते इसको, तो इसको 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 0.66, 10³ ऊपर चला जाएगा तो 10⁻², और इंटू 10⁻³, माइनस दो और माइनस तीन कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहां पर लिख देता हूं कि आर ए वी बराबर 0.66 × 10⁵। ये समझ में आ रहा है, 10³ ऊपर गया तो माइनस में, और माइनस दो और माइनस तीन कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट को एक संख्या के बाद लगाइए, तो जब पॉइंट को एक संख्या के बाद लगाएंगे तो 6.66 × 10⁻², कितना हो जाएगा, 6 एक अंक उधर बढ़ाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। ये आपका हो जाएगा आंसर, किसमें हो जाएगा, सेकेंड में। तो यहां पर लिख लीजिएगा कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी इसका मात्रक क्या बन जाएगा, इसका मात्रक बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका आंसर किसमें हो गया, ये आंसर आपका आ जाएगा सेकेंड के अंदर, यानी सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग कर लीजिए, और 60 से भाग करने के बाद ये 6.66 आता चला जाएगा। कहीं कहीं पर देखेंगे 7 लिखा हुआ मिल जाएगा, 667 लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। तो बिल्कुल कोई गलत नहीं है, आंसर बिल्कुल सेम सही है, 6.66 या 6.67 भी लिखा हुआ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां समझ में आया, पॉइंट को एक अंक दाईं ओर बढ़ाएंगे तो पावर एक माइनस क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर 6.66 × 10⁻⁶ हो गया। ये आंसर किसमें है, मोल लेटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मैं मात्रक किसका बता रहा हूं, यहां पर जगह नहीं, मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा मोल लेटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स क्या हो जाएगा इसका मात्रक। तो ये सेकंड में आपको आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर देखे सेकंड आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि ये कैसे होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का ही है, देखिएगा क्वेश्चन को। तो देखिए लिखा कि अभिक्रिया 2A से बन रहा है P, यानी अभिक्रिया 2A से लिखा हुआ है उत्पाद, उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट, तो 2A से P भी मान सकते हैं, उत्पाद के लिए क्या होता है P, है ना। तो 2A से बन रहा है P में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल
लेटर इनवर्स 0.5 मोल लेटर इनवर्स से घटकर है ना 0.4 मोल लेटर इनवर्स रह जाती है इस समयांतराल के लिए अभिक्रिया, इस समयांतराल के लिए अभिक्रिया का वेग की गणना कीजिए, यानी इस समयांतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना करना है आपको। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करवाता हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको जो लिखा हुआ है इसमें क्या दिया गया है, इसने आपको दिया है यहां पर देखिए लिखा कि 2A लिखा हुआ है और 2A से बना क्या है पी, उसमें हिंदी में लिखा, देखिए क्वेश्चन में उत्पाद हिंदी में लिखा, पी फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद, तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया है पी, क्या दिक्कत है। और कह रहा है इसके लिए वेग की गणना करना है आपको, ना औसत कहा है ना प्राचणिक कहा, केवल वेग कहा है। तो वेग लिखना भी मैंने आपको बताया है, किसी भी समीकरण के लिए वेग कैसे लिखा जाता वो भी मैंने आपको बताया है, अगर इसमें कोई संख्या लगी होती है तो उसके लिए भी वेग कैसे लिखा जाएगा वो भी मैंने आपको बताया है। सवाल में आगे देखिए कहा इसने है कि ए की सांद्रता, देखिए ए के बारे में बात किया है, इसके बारे में पी का नामो निशान उसने कहीं पर पी के बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी हमें कैलकुलेशन किसके बारे में करना है, केवल ए के बारे में करना है, पी के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। सवाल में ए के बारे में ही तो कहा गया कि ए की सांद्रता बढ़ रही या घट रही, जो भी बताया गया ए के बारे में, ए क्या है तो ए है अभिकारक, है कि नहीं, अभिकारक की सांद्रता कभी भी लिखेंगे तो हमेशा माइनस का सिंबल क्या होगा ब्रैकेट के बाहर पहले से ही लगता है, ये मैंने आपको बता रखा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए आपको वेग लिखना होगा, तो चलिए वेग लिख लेते हैं कि वेग स्मॉल आर बराबर है ना, वेग देखे कितना है स्मॉल आर बराबर, यानी वेग स्मॉल आर कैसे लिखा जाएगा, तो मैंने आपको बहुत ज्यादा समझाया है पिछले वीडियो में कि वेग कैसे लिखा जाता है, कोई भी संख्या लिखी हो उसको वन अपॉन में लिख देते हैं और उसके सामने माइनस का सिंबल तो रहता ही है, अभिकारक के केस में उत्पाद में प्लस रहता है, अभिकारक में माइनस रहता है, तो चलिए लिख देते हैं यहां पर माइनस वन अपॉन टू, यानी ये माइनस लगा दिया, उसके बाद डेल्टा लगाइए, डेल्टा आ गया, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ए लिखिए और नीचे क्या हो जाएगा डेल्टा टी, देखे इतना ये रहेगा, है कि नहीं। अब उसके बाद सवाल को आगे पढ़िएगा, सवाल में आपको दिया क्या क्या गया है, तो देखिए कह रहा है कि जो ए की सांद्रता है वो क्या है कि 10 मिनट में, समय आपको दे दिया 10 मिनट, ये वही टी टू है, 10 मिनट प्रारंभिक समय क्या होगा जीरो, लिख सकते ना प्रारंभिक समय जीरो और अंतिम समय क्या 10 मिनट, तो टी टू माइनस टी वन करेंगे वही 10 रहेगा, मैं जीरो घटाएंगे तो 10 ही तो बचेगा। आगे देखिए और क्या कहता है कि जो सांद्रता है आपकी 0.5 मोल लीटर से घट कर कितनी रह जाती है 0.4 मोल लीटर रह जाती है ना, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। अब देखिए ए की सांद्रता है तो फिर ए टू माइनस ए वन कर सकते हैं, जो भी आपके सवाल में कहा जाए उसको कर सकते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं यहां पर ए टू, यानी बाद की सांद्रता कितनी है ए टू, ए टू क्या होगी, ए टू होगी बाद की सांद्रता, है कि नहीं, चलिए बाद की सांद्रता कितनी है तो ये है 0.4 दिया गया है मोल लीटर इनवर्स, ये दिया गया है मोल लीटर इनवर्स आपको ये दिया गया है, ठीक, ये बाद की सांद्रता आपको दी गई है, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है तो घटी कितने थे 0.5 मोल लीटर से घटकर क्या आता, तो ये बाद की सांद्रता प्रारंभिक कितनी है 0.5, तो चलिए A1 लिख लेते हैं मोल लेटर इनवर्स, कैपिटल L ही बना लीजिए, आपके सवाल में कैपिटल L बना है तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी कष्ट नहीं होना चाहिए यहां पर। तो A2 कितना 0.4 मोल लीटर इनवर्स हो गया, A1 कितना है 0.5 मोल लीटर इनवर्स हो गया। उसके बाद समय को देखिए, समय कितना है, समय कह रहा है कि 10 मिनट के बाद है ना, तो चलिए T2 कितना है आपका, तो T2 जो आपका है वो है आपका 10 मिनट, यहां भी समय आपका मिनट में ही दिया गया है, ठीक। चलिए प्रारंभिक समय कितना, तो प्रारंभिक समय मैंने आपको बताया है आंख बंद करके कितना रखना है जीरो रखना है आपको, ठीक। चलिए अब ये फॉर्मूले को देखिए और यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, इस फॉर्मूले को जरा मैं आगे बढ़ा सकता हूं समझाने के लिए आपको, देखिए क्या है, अगर ये डेल्टा ए लिखा, देखिए अगर डेल्टा ए लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, डेल्टा ए का मतलब है कितना सांद्रता में परिवर्तन, ए की सांद्रता में परिवर्तन, तो ए की सांद्रता में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, कितनी सांद्रता बदली बढ़ी या घटी, है कि नहीं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस ए टू माइनस ए वन, देखिए
जैसे वहां पर आर टू दिया गया था, आर दिया गया था तो वहां आर टू माइनस आर वन कर लिया था, यहाँ पर ए दिया गया तो ए टू माइनस ए वन, कहीं पर सी दी जाए सी दिया जाए तो सी टू माइनस सी वन, कहीं डी दिया जाए डी टू माइनस डी वन, कहीं पी दिया जाए तो पी टू माइनस पी वन, है कि नहीं। जो दिया जाएगा हमें बाद की सांद्रता से पहले की सांद्रता माइनस कर देना है, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो। अंतर क्या होता है कि अभिकारक होगा तो उसमें सांद्रता माइनस में आती है आंसर, है ना, इसलिए पहले से माइनस लगाया जाता है। उत्पाद में क्या होता है, वो आंसर प्लस में आता है, इसलिए वहां पर प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अंतर केवल इतना ही रहता है कि नहीं। चलिए तो ये हो गया इसकी जगह पर। अब इसी तरीके से डेल्टा टी की जगह पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, टी टू माइनस टी वन, यानी यही फॉर्मूला लगा देंगे जो आपका यहां पर लिखा हुआ है यही हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक स्टेप और बता देता हूं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर लिखा है माइनस वन अपॉन टू, है ना, डेल्टा हटा देते हैं तो डेल्टा हटाने के बाद देखिए क्या आ जाएगा, ए टू माइनस ए वन ये हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन ये होगा, ए टू माइनस ए वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला था। इसी को चेंज किया, बाद की सांद्रता से पहले की सांद्रता घटाना है आपको, ठीक। चलिए अब मैं इसको जरा सा इरेज कर देता हूं, चलिए तो इसको इस साइड में मैं सॉल्व कर देता हूं। इधर ध्यान से देखिएगा, अब क्या है, r है और माइनस हाफ लिखा हुआ पहले से, तो r बराबर है वेग है अभिक्रिया का, है ना, माइनस वन अपॉन टू। ए टू की वैल्यू जरा रखिए, ए टू का मान कितना है, ए टू है आपका 0.4, तो 0.4 माइनस ए वन की वैल्यू कितनी है, तो ए वन की वैल्यू है 0.5, ये हो जाएगा। नीचे क्या है, टी टू माइनस टी वन, टी टू कितना है 10 मिनट, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 10 मिनट, और टी वन कितना है 0, तो टी वन 0 हो गया, ठीक। तो ये हो गया माइनस वन अपॉन टू, है ना, ये माइनस कर लेंगे यहां से तो कितना आ जाएगा, देखिए अगर ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.1 आ जाएगा, और नीचे कितना रहेगा आपका, नीचे रहेगा 10, है कि नहीं। ये आप देखिए इस माइनस के सिंबल को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये 2 है ना, अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेगा तो कितना हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेगा तो 0.1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 10 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 10 दुनिया कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहां से पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 1 और नीचे कितना हो गया 200, 1 को 200 से भाग कर लीजिए तो आर बराबर, देखिए अगर इसको इसे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके भी मैं आपको दिखा देता हूं, तो 200 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 0 लगाए, ये 0.123, है ना, तो यहां पर ये हो जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, 1, 2, 3, यानी 0.005 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यही मिल जाएगा 0.005, ठीक। तो चलिए लिख लेते हैं इसको 0.005, आपको क्या दिया गया था, तो मोल दिया गया था, लीटर इनवर्स दिया गया था, और समय आपका मिनट में था तो मिनट इनवर्स लिख लेंगे यहां पर, ये इसका क्या हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, समझ में आया होगा आपको कि ये कैसे किया जाएगा। यहां पर समझ में आया होगा, माइनस वन अपॉइंट टू अंदर मल्टीप्लाई ही कर दिया, गुणा सीधे गुणा कर देंगे, 10 का 2 से करेंगे 20 आ जाएगा, और इसका माइनस के सिंबल का अंदर गुणा करवा देंगे तो प्लस का 0.1 हो जाएगा, और यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा। यहां से पॉइंट हटाने को तो आपको पता ही होगा, एक देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0, पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होंगी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे उतने ही 0 बढ़ जाएंगे, ये ध्यान कर लीजिएगा। इसके बाद इसको डिवाइड कर लेंगे, 0.005 मोल लीटर मिनट मर्स आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसके बाद का जो क्वेश्चन है इसी प्रकार का, ये इसी मेथड पर आधारित इसी तरीके से लगेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपसे अगले क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेता हूं। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ कहता है कि अभिक्रिया N2+3H2, यानी ये अमोनिया के निर्माण की रिएक्शन है, अभिक्रिया है, है ना। N2+3H2 में अमोनिया के निर्माण के दौरान नाइट्रोजन के 2 मोल विघटित होते हैं, यानी अमोनिया के निर्माण के दौरान जो है नाइट्रोजन के 2 मोल क्या होते हैं, विघटित होते हैं। उसके बाद कहा गया है कि यदि
इस पात्र का आयतन 1 लीटर हो, इस पात्र का आयतन 1 लीटर हो तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? अभिक्रिया का वेग कहता है, नंबर 2 कहता है हाइड्रोजन के विघटन की दर, नंबर जो 3rd कह रहा वो कह रहा कि अमोनिया के निर्माण की दर। तो 3 चीज आपको कैलकुलेट करनी है, अभिक्रिया का वेग लिखना है ना, हाइड्रोजन के विघटन की दर लिखनी है आपको, और अमोनिया के निर्माण की दर आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, आपको नाइट्रोजन के 2 मोल कह रहा विघटित होते हैं है ना अमोनिया के निर्माण के दौरान। तो चलिए सबसे पहले हमें जो रिएक्शन दी गई है उसको मैं आपको लिख करके बताता हूं। देखिए रिएक्शन आपको दी गई है N2+3H2 और ऐसे एरो लगा हुआ है 2NH3। ये एक रिएक्शन दी गई है और इस रिएक्शन में आपसे कहा भी गया है कि जो अमोनिया के निर्माण के दौरान नाइट्रोजन के 2 मोल क्या होते हैं विघटित होते हैं। नाइट्रोजन के कितने मोल विघटित होते हैं? तो 2 मोल विघटित होते हैं। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा था कि विघटित होते हैं, इस पात्र का आयतन कितना हो? 1 लीटर हो। तो सबसे पहले हमें नाइट्रोजन के विघटन की दर लिखनी होगी है ना। चलिए लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन के विघटन की दर, विघटन की दर है ना। अब निर्माण की दर और विघटन की दर कैसे लिखा जाता है? सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको निर्माण की दर विघटन की दर वहां पर लिखना बताया है। आपको अगर और ज्यादा समझना है तो उस फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा। इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है उसमें मैंने आपको निर्माण की दर विघटन की दर सभी को लिखना बताया है ना। तो पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो नाइट्रोजन के विघटन की दर कह रहा कि नाइट्रोजन के कितने मोल विघटित होते हैं? तो 2 मोल विघटित होते हैं है ना। अभिघटन की मात्रा भी क्या होगी? मोल प्रति लीटर है ना, प्रति सेकंड। जो दर का मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। तो चलिए लिख लेते हैं यहां पर। देखिए नाइट्रोजन है ये, तो यहां पर क्या लगाएंगे? माइनस, और अंदर क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन, और नीचे क्या हो जाएगा? देखिए डेल्टा का सिंबल तो लगेगा ही, ये डेल्टा हो गया, नीचे हो गया डेल्टा टी है ना। नाइट्रोजन के कितने मोल विघटित होते हैं? तो नाइट्रोजन के यहां पर 2 मोल क्या होते हैं आपके? विघटित होते हैं। नाइट्रोजन के 2 मोल करा विघटित होते हैं, और पात्र का आयतन कितना है? तो आयतन है 1 लीटर, तो यहां पर लिख देंगे 2/1, ये होगा, यानी 2/1 लिख दिया। उसके बाद आपका जो समय है डेल्टा टी वो कितना हो जाएगा? तो उसको आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है कि निर्माण के दौरान 2 मोल है ना विघटित होते हैं। कह रहा कि 2 मोल प्रति मिनट विघटित होते हैं। सवाल में देखिए ध्यान से, कहता था कि 2 मोल प्रति मिनट विघटित होते हैं, यानी नाइट्रोजन के 2 मोल प्रति मिनट विघटित होते हैं यदि पात्र का आयतन 1 लीटर हो। तो प्रति मिनट कह दिया है, तो प्रति मिनट का मतलब क्या है? हम 60 सेकंड लिख सकते हैं, 1 मिनट, प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट, और 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकंड के। तो यहां पर जो डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 60 सेकंड हो जाएगी। तो आगे देखिएगा फिर ये कैसे होगा। तो देखिए यहां पर कितना है, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रहेगा, यानी -2/60 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना होगा? बराबर -1/13 है ना। मात्रक क्या हो जाएगा? तो वही हो जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स, और समय आपका सेकंड में रखा तो सेकंड इनवर्स, यानी मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स क्या हो जाएगा इसका मात्रक। ये तो समझ में आया होगा, 2 मोल थे और प्रति लीटर कह रहा था, तो 2 मोल प्रति लीटर ये कर लिया, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 ही रहेगा, तो यहां पर 2/60, बाहर पहले से माइनस लगा हुआ है, ये काट दिया, 2 * 2 = 60, तो -1/30 आ गया। तो नाइट्रोजन के विघटन की दर इस प्रकार से लिख ली जाएगी। अब पहला पॉइंट देखिए, कहता था कि अभिक्रिया का वेग लिखिए, तो अभिक्रिया का वेग लिखना मैंने आपको बताया ही, चलिए लिख लेते हैं अभिक्रिया का वेग। तो पहला जो आपको सॉल्व करना है वो है अभिक्रिया का वेग, यानी वेग क्या होता है? स्मॉल आर। तो सबके लिए लिख लीजिए, नाइट्रोजन के लिए यहां पर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो इसके लिए 1/1 डेल्टा N2/डेल्टा t बराबर, उसके बाद हाइड्रोजन के लिए -1/3, और उसके बाद डेल्टा H2/डेल्टा t। ये अभिक्रिया का वेग लिख रहे हैं। अभिक्रिया का वेग कैसे लिखा जाता है मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहां पर हो जाएगा ये,
उसके बाद ये अमोनिया दिया गया, तो प्लस वन अपॉन टू और डेल्टा एनएच थ्री अपॉन में क्या होगा, डेल्टा टी। देखिए पूरी अभिक्रिया के लिए मैंने वेग लिख करके आपको बता दिया, कोई भी वेग कहा जाता, औसत वेग कहा जाता, तात्क्षणिक वेग कहा जाता, सारे के सारे वेग आपके ऐसे ही लिखे जाएंगे, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहां से कह रहा कि जो आपको कैलकुलेट करना है सेकंड नंबर में, कह रहा कि हाइड्रोजन के विघटन की दर आपको कैलकुलेट करना है, तो हाइड्रोजन के विघटन की दर कैलकुलेट करने से पहले मुझे अभिक्रिया का वेग कैलकुलेट करना होगा। अगर इस आर की वैल्यू पता चल गई तो देखिए यहां पर चाहे जिसकी वैल्यू निकालना हो सबकी वैल्यू आराम से पता चल जाएगी। तो चलिए आर की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, अभिक्रिया का वेग आर है। देखिए नाइट्रोजन की विघटन की दर भी निकालना है, नाइट्रोजन की विघटन की दर कितनी है, 1/30 -1/30 मोल लिखा हुआ है। चलिए तो यहां पर लिख लेते, देखिए -1/1 इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू देखिए आपकी आई है -1/30 आई है ना। देखिए नाइट्रोजन N2/ΔT की वैल्यू कितनी है, -1/30, ये वाली वैल्यू यहां पर क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए इन दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा 1/30 प्लस का हो जाएगा, मोल हो जाएगा, लेटर इनवर्स हो जाएगा और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया का वेग या दर कितना आ गया, +1/30 मोल लीटर सेकंड इनवर्स। ये तो आपको समझ में आया होगा, नाइट्रोजन के विघटन की दर दी गई थी उसकी वैल्यू यहां पुट कर दिया, तो यहां से अभिक्रिया का वेग आर बराबर आ गया। आप इसको याद रखिएगा कि आर बराबर 1/30 अभिक्रिया का जो टोटल वेग आया है। अब ये जो वैल्यू आई है आर की है ना, वो इन सबके बराबर होगी है कि नहीं। देखिए आर की जो वैल्यू आई है 1/30 ये सबके लिए बराबर हो जाएगी है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर बराबर जो आया 1/30 मोल लेटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स है ना, यानी ये टोटल वैल्यू आई है आर की। अभिक्रिया का वेग हमेशा आपका ये होगा। अब जिसको निकालना होगा उसके सामने ये वाली वैल्यू आर की यहां पर रख दीजिए, और यहां से जिसको भी कैलकुलेट करना है उन सभी को क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं है कि नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करवाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, तो वेग इसका आ गया है। अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करवा देता हूं। सेकंड पार्ट में कह रहा है हाइड्रोजन के विघटन की दर, तो चलिए निकाल लेते हैं यहां से। अभी मैंने अभिक्रिया का वेग निकाला हाइड्रोजन के विघटन की दर, तो हाइड्रोजन के लिए देखिए अभिक्रिया का वेग कैसे लिखा जाएगा, -1/30 डेल्टा H2/ΔT ऐसे लिखा जाएगा है ना। यहां पर क्या है, तीन है, 13 1/3 ठीक, इतना तो समझ में आया होगा। अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा, 1/30 डेल्टा H2/ΔT, ये तो समझ में आया होगा। अब यहां से देखिए आर की वैल्यू अभी पीछे निकाला है 1/30 पीछे निकाला है अभी ठीक। चलिए तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 1/30 बराबर कितना, 1/3। आपको इसको निकालना है ना, हाइड्रोजन के विघटन की दर, ये क्या है हाइड्रोजन के विघटन की दर, ये क्या है हाइड्रोजन के विघटन की दर, स्मॉल आर बराबर -1/30 डेल्टा H2/ΔT। तो यहां से देखिए क्या कर देंगे, अब यहां पर देखिए उसके बाद आगे लिख लेंगे यहां डेल्टा H2/ΔT। आपको इसकी वैल्यू चाहिए, आपको इतना क्या है कैलकुलेट करना है, यानी इसको आपको निकालना है ना। यहां पर देखिए क्या है कि माइनस लगा हुआ है, तो देखिए यहां पर हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इस जगह पर दो प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। या तो यहां मॉड लगा दीजिए, मॉड लगाने से प्लस का माइनस का सिंबल प्लस बन जाएगा, या फिर माइनस कॉमन ले लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर चाहे मॉड लगा दीजिए या माइनस का सिंबल कॉमन ले लीजिए, तो चलिए दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो 1/30 और माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 3 और अपॉन में क्या है ये डेल्टा H2/ΔT। ये तो समझ में आया होगा, माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अंदर प्लस बन जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 13 और 1/3 हो जाएगा डेल्टा H2/ΔT, ये हो जाएगा। अब सीधे सीधे यहां से क्रॉस कर काट सकते हैं इसको, तो देखिए 1/30 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30। यानी यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा H2/ΔT, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 है ना। और मात्रक क्या बनेगा इसका, मोल लेटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स ठीक। तो देखिए सेकंड नंबर आपका पोर्शन ऐसे सॉल्व किया जाएगा है ना। देखिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया ऐसे, जो समझ में आया होगा आपको।
कि जो यहां पर दिया गया था आर की वैल्यू इधर रख दिया, इसकी वैल्यू इधर रख दिया, यहां माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कि यहां प्लस, लेकिन मैंने एक स्टेप और दिखा दिया, माइनस कॉमन लिया तो यहां पर माइनस अंदर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां मैंने प्लस लिख दिया, एक तीन से काट देंगे इसको तो तीन धाम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो एक बटे क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा यहां पर, तो ये इसका मात्रक हो गया। तो ये आपका सेकंड पार्ट है हाइड्रोजन के विघटन की दर। थर्ड देखिए क्या कहता है, थर्ड इसमें कहता है कि अमोनिया के निर्माण की दर, अमोनिया के निर्माण की दर इसको भी क्या लिखना है स्मॉल आर से लिखना है। तो अमोनिया के निर्माण की दर स्मॉल आर से हो गया, और देखिए अमोनिया कितना है ये लिखा हुआ है, अब इसके निर्माण की दर लिखना तो यहां तो प्लस लगाना है, कोई दिक्कत नहीं तो प्लस लगा दिया, और कितना है 1/2 लिख दिया डेल्टा NH3/ कितना हो जाएगा डेल्टा टी, ये लिखा जाएगा निर्माण की दर में प्लस लिखना है। तो यहां पर आर की वैल्यू कितनी आई है, अभी आपने देखिए अभिक्रिया का वेग कितना निकाला 1/30, ये आया था, ये हो गया, इधर देखिए ये क्या है तो प्लस है 1/2, तो ये 1/2 डेल्टा NH3 है ना अपॉन डेल्टा टी, ये होगा। अब सीधे देखिए दो से काट दीजिए इसको, दो से काट देंगे 15 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, ये निर्माण की दर है, कितना आएगा 1/15 मोल लेटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो पार्ट नंबर 3 जो अमोनिया के निर्माण की दर थी वो कितनी हो जाएगी 1/15 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं ये सब, तो आर का मान आपको याद रखना है 1/30, और आर का मान पूरी इक्वेशन के बराबर है, किसी के भी आर का मान पता चल जाए, अभिक्रिया का वेग पता चल जाए, हम किसी की भी सांद्रता निर्माण की दर विघटन की दर किसी की भी निर्माण विघटन की दर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा जो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया हुआ वो सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, और मान लिया सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम होती नहीं सॉल्व हो पाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, फिर मैं आपको उसको अगले वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा, है ना। तो आप इन दोनों का क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, तो आज का जो हमारा टॉपिक था जिस टॉपिक मैंने आपसे क्वेश्चन लिए हुए थे, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए हुए होंगे। और